नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और साथ में हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड करते हैं, लेकिन वो सारे वीडियोज हमारी सैंपल रिकॉर्डिंग होती है, पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं है। अगर आप कंप्लीट वीवी और एक्सेल के ऊपर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टैबलू सीखना चाहते हैं, वीआई टूल सीखना चाहते हैं, तो अब हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जूम ऐप के थ्रू हम कंडक्ट करते हैं, लाइव इंटरेक्टिव, और एक बैच में मोस्टली 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए, आज मैं इस चीज को बताने के लिए आपको वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज मैं अपने एक व्यूअर है उनके कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, कल मैंने एस विनायक जी के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दिया था, और आज जो है इसी तरीके से एक कमेंट मुझे दिखा है, उन्होंने हिंदी में टाइप किया हुआ है और मुझे अच्छा लगा, उन्होंने हिंदी यूज किया कि सर जी फिल्टर डेटा को काउंट करना है, बट फिल्टर डेटा में जो तो डिस्प्ले पर शो हो रहा है केवल उन्हीं को काउंट करना है, इसके लिए क्या करना हो, प्लीज सर सोल्यूशन जरूर बताए और एक वीडियो बनाए। मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा को फिल्टर करते हैं, कोई भी डेटा को फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर की डेटा को कैसे काउंट किया जाए, ये उनको जानना है। इसके लिए क्या करेंगे, चलिए हम आपके साथ उसी चीज को यहाँ फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास डेटा है, जब आप फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगा के आप कोई वैल्यू को यहाँ यूज करते हैं, जैसे मैंने अकाउंटिंग लिया, या अकाउंटिंग का दिखता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि आपने नीचे कोई, मान लीजिए काउंट या सम कुछ ऐसा रख रखा है, मान लीजिए आपने यहाँ पे काउंट का ये फॉर्मूला दे दिया, काउंट ए काउंट ऑल, और इसको सिलेक्ट कर, तो यहाँ पे काउंट 108 आ रहा है, जो कि ओवरऑल है। जब हम फिल्टर लगाते हैं और फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं, फिर भी यहाँ पे काउंट जो है वो 108 ही आ रहा है। अब इनका कहना है, जिन्होंने कमेंट लिखा है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्रवण पैनवाल। तो श्रवण जी ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे काउंट सिर्फ इसी का है जो विजुअल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सब टोटल का। सब टोटल में काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे काउंट ए करना है, तो मैंने काउंट ए का नंबर 3 को सिलेक्ट किया और हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी पूरी डेटा रेंज को, एंड ओके, ये 108 दिखा है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, और फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पे जैसे कि आईटी को है, तो आईटी को सिलेक्ट किया एंड ओके किया, तो देखिए यहाँ पे 19 दिख रहा है, जो कि सिर्फ आईटी का ही टोटल है। तो सब टोटल फॉर्मूला से श्रवण जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट के जरिए कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि मैंने करीब 2000 से ऊपर वीडियो डाल रखा हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और सारी कमेंट को मैं देख पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के अलावा 17 से 18 घंटे की लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ, उसके बाद ये टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्टली कॉल करे, व्हाट्सएप करे। और मैं तो बोलूंगा सर, आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके एक सर एक्सपर्ट बन जाए, ताकि किसी से हेल्प लेने की जरूरत ही आपको ना पड़े, आप खुद से, मतलब कि सुजीत कुमार एक नहीं, आप भी सुजीत कुमार बन सकते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट और चैंपियन बन सकते हैं, ताकि लोग आपसे सवाल पूछे, आप किसी और से सवाल ना पूछे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस
जो होती है लाइव होती है, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं होता है, लाइव सेशन होता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।